हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है या तो फिर किसी भी मॉडल का फ़ोन है और आपके फ़ोन पर जो सिम कार्ड है वो नहीं चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन पर जो आपका सिम कार्ड है उसको लगा लेना है और अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो रिस्टार्ट करने के बाद सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये काम करके देख लेना है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर जो है अपना जो सिम कार्ड है उसको जो है बाहर निकाल के आपको दोबारा से सही से अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं लग पाता है, ठीक से नहीं लगा रहता है, तो इसके वजह से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और गाइस, अगर जो है आप लोगों ने सिम कार्ड को जो है बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया रहता है तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग यहाँ पर जो है सिम कार्ड को हमेशा रिचार्ज करते रहा कीजिएगा और जो है समय समय पे आप लोग रिचार्ज करिए और अच्छे से यूज़ करिए ताकि ये सभी प्रॉब्लम जो है वो आपको ना आए। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों हो सकता है कि आपका जो सिम कार्ड है वो ख़राब भी हो जाते हैं, बट इसका चांसेस बहुत कम रहता है, तो फिर भी आप लोग यहाँ पर अपने सिम कार्ड को किसी दूसरे के मोबाइल पर लगा कर देखिए, अगर उसके भी फ़ोन में आपका सिम कार्ड नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन में जो सिम कार्ड है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी तरीकों को अप्लाई करके देख लीजिए, अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर एक बार अपने आसपास के मोबाइल शॉप पर जाकर अपने फ़ोन को चेक कराइए, कहीं आपके फ़ोन में ही कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपके फ़ोन में ही दिक्कत रहेगा तो वो जो आपका मोबाइल शॉप वाला रहेगा वो आपके फ़ोन को सॉल्व कर देगा।